ओवी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं रितेश कुमार, ईजी फिजिक्स विद सत्यपाल सियाग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने कल किया था नोइंग आवर नंबर्स लेक्चर फर्स्ट, आज हमारा इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर सेकंड। कल हमने किया था इंडियन न्यूमेरल सिस्टम, इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम, कोमाज, कंपेरिजन और नंबर नेमिंग। आज हम करेंगे एस्टीमेशन। एस्टीमेशन, एस्टीमेशन का मतलब क्या होता है? अनुमान। तो ये अनुमान कैसे लगाएंगे हम, आइए देखते हैं। इसका मतलब होता है जी रफ कैलकुलेशन। इसमें एस्टीमेशन में हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड। तो राउंड ऑफ क्या होता है, जैसे मान लो हमने डिजिट्स ले लिए 1, 2, 3 और 4। अगर हमारे नंबर में ये डिजिट्स है, अब मान लो टू डिजिट नंबर है, टू डिजिट नंबर में लास्ट डिजिट है जो वो है 1, उसको राउंड ऑफ हम कैसे करेंगे? उसको राउंड ऑफ करेंगे जी 0 के नज़दीक, उसको 0 बना देंगे हम। अगर हमारे पास डिजिट्स है 6, 7, 8, 9, उसको राउंड ऑफ करेंगे हम 10 के नज़दीक। अब बात रहती जी 5 की, तो जनरली हम 5 को 10 के राउंड ऑफ करते हैं। अब राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड, एग्जाम्पल। अब देखिए, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, नियरेस्ट टेंस करके देखें, जैसे कोई नंबर ले लिया 100, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। जैसे हमारे पास कोई दो नंबर है, एक ले लिया हमने 246 एंड अनदर नंबर इज 308, ये दो नंबर हमारे पास। अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, पहले देखेंगे हम जो 246 है वो 200 से लेके 300 के बीच में आता है। अब इसको टेंस प्लेस पे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो ये डिजिट देखेंगे हम 6। अब 6 किसके नज़दीक है? जैसा हमने पहले बताया था, जो 1, 2, 3 और 4 डिजिट है, इनको 0 के पास राउंड ऑफ करेंगे हम। 6, 7, 8, 9 है, उसको 10 के, और जो 5 है उसको भी राउंड ऑफ करके 10 बना देंगे हम। तो यहाँ पे 6 है वो 10 के नज़दीक है, तो यहाँ पे इस नंबर को राउंड ऑफ करके हम 250 बना देंगे। अब बात करते हैं 308 की, ये डिजिट देखेंगे हम, ये किसके नज़दीक है? 10 के नज़दीक है ये भी, तो इसको बना देंगे हम 310, राउंड ऑफ होता है ऐसे जी। अब मान लो कोई डिजिट है 205 ले लिया हमने, इसको हम राउंड ऑफ करके क्या बनाएंगे, जो 5 को जनरली हम 10 बनाते हैं, तो इसको भी 210 हो गई, 210 हो गया। अब मान लो 201 हमारे पास 201, इसको राउंड ऑफ करके हम क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे जी 200, क्योंकि ये 0 से ज़्यादा नज़दीक है एक। ये तो हो गई राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस।
अब बात करते हैं हम राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब कोई नंबर लेते हैं हम 256। ये नंबर ले लिया हमने कोई, अब इसको नियरेस्ट 100 कैसे राउंड ऑफ करेंगे। जो राउंड ऑफ हम नियरेस्ट 100 कर रहे हैं, पहले तो आप देखो ये वंस प्लेस हो गया, ये टेंस और ये 100 प्लेस है। 100 प्लेस से पहले वाली डिजिट को देखेंगे हम। पहले वाली डिजिट है जो 56 है, 50 से अबोव है ये, तो हम इनको नियरेस्ट 100, इनको 100 बना देंगे हम। अगर ये 46 होती, 50 से नीचे होती, तो इनको हम बना देते 0 यहाँ पे। अगर ये 50 होती, 250 होता, तो भी इसको हम 100 बनाते। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम नियरेस्ट 100, तो ये 300 हो जाएगा। 100 ये हो गया, 200 पहले ही था, ये इसमें ऐड हो जाएगा 300। कोई भी नंबर ले लीजिए आर्बिट्रेरी, ऐसे ही होता। जैसे 246 की बात की थी हमारे पास, ये मान लो आप 246 को नियरेस्ट 100 के अगर राउंड ऑफ करेंगे तो हम ये दोनों डिजिट देखेंगे। एक और इसका एक जनरल सा रूल है, अगर दोनों जो डिजिट है ये बाद वाली, अगर ये 50 से नीचे है तो आगे वाला नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और जो ये है ये दोनों 0 हो जाएगी, जैसे इस केस में हुआ। और अगर 50 से अबोव है या 50 है तो ये नंबर चेंज होगा। अब बात आती है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000s। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000s। अब हमारे पास कोई नंबर है 1000 कर रहे हैं हम इसको, ये ले लो कोई नंबर 1896, 1896। इसको नियरेस्ट 1000 हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये तीन डिजिट देखेंगे हम पीछे वाली। अगर ये तीनों डिजिट 5500 से ऊपर है तो आगे वाले नंबर में चेंज आएगा। अगर ये 500 से नीचे वाली डिजिट है तो ये नंबर सेम है और पीछे वाली जो तीनों है वो 0 हो जाएगी। अब ये 896 है, ये 1000 के करीब है, 1000 के नज़दीक है, तो 1000 और ऐड हो जाएगा। राउंड ऑफ करेंगे तो इस नंबर को हम इसको कर देंगे 2000। ये तो हो गया जी राउंडिंग ऑफ। अब बात आती है एस्टिमेटिंग सम की, एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड डिफरेंस, एस्टिमेटेड डिवीजन प्रोडक्ट। अब इसके बाद में सम। अब जैसे आपने न्यूज़ देखी होगी, कोई हादसा हो जाता है कभी, तो उसमें ये कहते हैं, जैसे कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो उसमें न्यूज़ वालों का अलग अलग डाटा होता है। कोई न्यूज़ वाला क्या कोई डाटा देता, कोई न्यूज़ वाला कैसा डाटा देता है, तो वो क्या होता है, एक एस्टिमेशन होता है, एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है। वो ये कहते हैं लगभग इतने इंजर्ड हो गए, ये हो गया, तो अप्रोक्सीमेट होता हो, अनुमान होता हो, एक लगभग होता है। तो सम ऐसे ही होता है एस्टिमेशन, ये बड़े तौर पे कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। अब सम में जैसे हमारे पास है 256 है, प्लस में हम इनको ऐड करेंगे, वैसे तो हमें बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी इसमें, ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा इस पर, लेकिन जब हम राउंड ऑफ करेंगे, पहले तो हम देखेंगे राउंड ऑफ किसके नज़दीक करेंगे हम। एक तो होता राउंड ऑफ में जनरल रूल, अगर वो कह दे राउंडिंग ऑफ बाय जनरल रूल, जनरल रूल में आप अपनी सुविधा देखेंगे कौन सी डिजिट पे राउंड ऑफ करने से आपको सुविधा है,
मतलब जो वैल्यू आएगी रिजल्ट की वो अप्रोक्सीमेट जो आंसर सही है उसके नज़दीक आएगी, वैसे राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन जब वो बोल देगा राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, तो आप टेंस के अनुसार करेंगे। अगर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000, तो आप उस हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पे जनरल रूल की बात करते हैं, 256 और 212 दे रखा है इसने, तो हम लास्ट डिजिट देखेंगे, नियरेस्ट टेंस करेंगे हम इसे, तो नियरेस्ट टेंस करेंगे तो 256 हो जाएगा 260 प्लस 212 हो जाएगा, ये जीरो के ज़्यादा नज़दीक है तो 210। इनको आप आसानी से ऐड कर सकते हो 417। अगर आप इसी वैल्यू को नियरेस्ट 100 करोगे राउंड ऑफ, तो ये हो जाएगा 256 हो जाएगा 300 और 212 हो जाएगा 200। आ जाएगा आंसर, ऐसे ही 1000 करेंगे हम। अब बात आती है डिफरेंस की, कोई भी नंबर है 58 अब ये इसमें से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो राउंड ऑफ करेंगे हम नियरेस्ट टेंस, ये तो हो जाएगा 60 क्योंकि 8 10 के ज़्यादा नज़दीक है, राउंड ऑफ हो गए, और 22 राउंड ऑफ हो गए हो जाएगा 20। तो अब हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इनको, ऐसे ही कोई बड़ा नंबर है हम उसके साथ करेंगे। अब जैसे 580 220 ये नंबर ले लो, तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी हम देखेंगे कि नियरेस्ट किसके, तो नियरेस्ट 100 करेंगे हम इसको, तो जब राउंडिंग ऑफ करेंगे 580 को नियरेस्ट 100, तो ये हो जाएगा 600 और 220 ये हो जाएगा 200। तो इसमें आसानी हो जाती है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात आती है एस्टिमेटेड प्रोडक्ट की, ये हम कैसे करेंगे। जैसे हमने सम किया, डिफरेंस किया, वैसे ही ये रूल प्रोडक्ट में लागू रहेंगे आगे। हमें प्रोडक्ट करनी है, वैसे तो ये कैलकुलेशन लंबी होगी, लेकिन जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 22 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये नियरेस्ट 10 नियरेस्ट टेंस के देखेंगे हम इसको, या नियरेस्ट 0, और 2 है जो नियरेस्ट 0 हो, तो ये हो जाएगा 20, क्योंकि जो भी डिजिट नियरेस्ट 0 है अगर हम उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उससे आगे वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं आता, वो सेम रहती है, और जो पहले वाली डिजिट है वो हो जाती 0। इनटू में 35 है, जो 5 है उसको 10 के नज़दीक मानते हैं हम, तो ये हो जाएगा 40। ये प्रोडक्ट, इसमें हमें आसानी है, आसानी से बता दिया हमने, ये 800 होगी। तो अब आता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का यूज कैसे करते हैं हम। अब ब्रैकेट्स का यूज हम कैसे करते हैं, अब मान लो मैंने ये 5 मार्कर ले लिए और एक मार्कर का प्राइस है 10 रुपये, मैंने 5 मार्कर लिए हैं, एक मार्कर का प्राइस है 10 रुपये, तो मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी पड़े, तो 5 × 10 करेंगे तभी हमें जो मैंने स्पेंड किए हैं तो टोटल रुपीस तभी आएंगे। और मान लो सतपाल सर ने ऐसे ही 8 मार्कर ले लिए और उनका प्राइस भी सेम 10 रुपये है,
₹10 पर पीस है। तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो, टोटल जो रुपीज स्पेंड किए हैं वो फाइंड आउट करने हो, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सतपाल सर ने 8 ले लिए, उनका भी ₹10 पर मार्कर है। अब हम ब्रैकेट्स का यूज कैसे करेंगे ये देखिए आप। अगर हम पर्टिकुलर अलग अलग कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये 50 हो गया, ये 80, ये हमें आसान लगता है भाई, ऐड कर देंगे इसको और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो तब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम ब्रैकेट्स का यूज ऐसे करेंगे। मैंने 5 ले लिए, सतपाल सर ने 8 लिए हैं और दोनों की कॉस्ट कितनी है ₹10 प्रत्येक मार्कर की, तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे 5 और 8, इनको जोड़ देंगे हम दोनों को और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो गया ना आसान। अब बड़ी कैलकुलेशन होगी तो उसमें ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती है तो उन्हें लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।